गाइस कैसे आप सब। मैं हूँ मस्त। आज मेरे घर पे स्पेशल और मेरा फेवरेट थिंग बननी है, तो आप गेस करो। नहीं, आप गेस नहीं कर पाओगे, तो भी गेस करने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। तो आपको इन 1 2 3 तो आपको एक अंदाजा लग गया रहेगा। ये है टिक्की। टिक्की किस में यूज़ होती है? बर्गर में। तो आज मेरे घर पे बर्गर बनने वाला है, होममेड बर्गर। ये घर पे टिक्की बनाई है एंड ऐसे ये फ्राई करते हैं। ये देखो, तो ये ऐसे फ्राई होती है और फ्राई होने के बाद ऐसे लगती है। एंड ये सब घर पे बनाए हम लोग ने। सिर्फ ये ब्रेड बाहर से लाया है और ये वेजिटेबल तो घर से ही बनेंगे। तो और मैं आपको अभी थोड़ी देर में टेस्ट बनाऊँगा, बताता हूँ। तो ये सेकेंड वाली भी फ्राई हो चुकी है। तो ये देखो, ये ऐसी गई अंदर, तो ऐसे ये फिर ऐसी बाहर निकलती है। मस्त लगता है, मैं आपको अभी टेस्ट बताता हूँ। तो गाइस मैं अभी टिक्की फ्राई कर रहा हूँ, देखते हैं मेरे से होती है या नहीं। तो टिक्की इसके अंदर जा चुकी है, तो मैं इसको अभी फ्राई करके मिलता हूँ कैसी बनती है मेरे से, देखते हैं। तो गाइस ये है जो मैं टिक्की फ्राई कर रहा हूँ मेरे हाथों से। तो टर्न हो चुके हैं अच्छे से, अब तक हुई नहीं है। तो इसको अच्छे से मैं बनाने के बाद मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है मेरे हाथ से। हाथ से मतलब उतना ही फ्राई किया है, तो देखते हैं कैसी बनी है। तो ये गाइस मैंने टिक्की फ्राई की है, देखो ये मेरी टिक्की तो फ्राई करके हो चुकी है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको फ्राई करके हो चुका है, तो ये वाली मेरी टिक्की फ्राई की है, तो ये वाली मैं ही खाऊंगा। तो गाइस बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया, मेरा फेस नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ बर्गर दिखेगा। तो मेयोनीज लेते हैं ज़रा सा, ऑलरेडी ज़रा सा लगा है मैंने पहली, लेकिन और थोड़ा सा लगाते हैं क्योंकि मेयोनीज अच्छा, मतलब इसको मेयोनीज लगता है, मेयोनीज नहीं रहा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो ये ऐसा मेयोनीज लगाना है, वैसे आपको सबको पता रहेगा तो भी मैं भूल रहा हूँ। ये मेयोनीज लगा के हो चुका है, इस पे भी लगाना है, ये भी ब्रेड पे, तो ये ब्रेड पे भी मैं लगा के मिलता हूँ। वी हैव डन इट। ये देखो ये है, ये दोनों मतलब ब्रेड। अभी इसके ऊपर अपन ये डालते हैं, फर्स्ट टिक्की डालते हैं। ये रही टिक्की आई, और ये टिक्की प्लेस कर दी इसके ऊपर। फिर ये डालते हैं, रुको, चीज़ डालते हैं, चीज़ की स्लाइस। देन उसके बाद अपन थोड़ा सा वेजिटेबल्स डालते हैं, ये वेजिटेबल्स। तो ये वेजिटेबल्स डाल दी, तो एक दो टोमेटो को स्लाइस भी डाल देते हैं। ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ये टोमेटो ज़्यादा हो गए क्योंकि मेरे को ज़्यादा टोमेटो पसंद नहीं है। तो ये हो गया एंड और कुछ डालना था और कुछ नहीं। तो ये आ गया इसकी सेकेंड मतलब सेकेंड ब्रेड इसके ऊपर बंद करने के लिए। तो ये है अपना मस्त वाला बर्गर। तो अभी ये बर्गर तैयार हो चुका है, एक सेकंड मैं अपना मुंह दिखाता हूँ। बर्गर इज रेडी टू ईट। अभी ईट नहीं कर रहा, बाहर चलते रहो, आपको टेस्ट भी बता दो, साथ साथ में खाते भी है, तो मिलते हैं बाहर। गाइस बर्गर इज रेडी, आपको साइड से दिखाता हूँ, ऐसे साइड से लगता है, ऊपर से ऐसे। तो ये देखो गाइस ऐसा है, ये सब चीज़ वगैरह है और इसके नीचे ये टिक्की जो अपन ने अभी फ्राई की थी। तो मैं भी एक बनाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये देखो इतना मस्त लगा है, मतलब लग रहा है। गाइस सभी स्पेशल मतलब मेन टाइम आ चुका है ये बर्गर खाने का। तो ये मैंने बनाया हुआ बर्गर है, तो बर्गर ईट करता हूँ, टेस्ट बताता हूँ। गाइस मैकडोनल्ड्स रहता है ना, उससे भी मस्त है। आपको मैकडोनल्ड्स में जाना ही नहीं पड़ेगा, घर पे आओ, टिक्के वगैरह बनाओ और खाओ, सबसे बेस्ट, होममेड भी है और मस्त है। तो मैं अभी ये खाता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी जस्ट मैंने खाया वो बर्गर, इतना मस्त था बर्गर,
बस मेरा पेट भर गया, उससे पेट भी भर जाता है और वेजिटेबल्स की वजह से थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। और बाहर का तो वेजिटेबल्स इतना इतना रहता ही नहीं है, इतना जंक रहता है, मतलब जंक फूड रहता है उसमें, तो वेजिटेबल का कुछ मीनिंग ही नहीं रहता। तो घर में हेल्दी भी रहता है थोड़ा और अच्छा भी रहता है, तो घर पे बनाना ट्राई करना। तो आज के इस छोटे से फूड वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना न्यू वीडियोज़ के अपडेट के लिए। अब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।